नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों का शेफ तरुण। आज हम फिर एक नई रेसिपी लेके आए हैं आपके साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम डुप्लेक्स। ठीक है, बड़ी अच्छी रेसिपी है। मशरूम, जो लोग मशरूम के लवर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है ये। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे तरह से हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं मशरूम डुप्लेक्स। एक बार मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ उसके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये हमारी सीजनिंग ट्रे है जिसमें चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है, सीजनिंग है, ओरिगैनो है, सॉल्ट है। ये स्पिनी ट्रे है हमारी जो ब्लांच करके चॉप करी है हमने। गार्लिक है, चीज़ है, प्रोसेस चीज़ है, मोजरेला चीज़ है, कॉटेज चीज़, तीनों चीज़ हैं इसमें। ये हमारी सॉस के लिए है, सालसा सॉस जो बनेगी उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। ये बैटर के लिए, जो बैटर बनाएंगे, ये कॉर्न्स को हम स्टफ करेंगे, और ये ब्रेड क्रम्स है जिनके साथ कोटिंग करेंगे हम, और ये मशरूम है। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रोसेस है इसका, हमने मशरूम को जो लेना है, हमने उसको एक हॉट वाटर है ये, उसमें सॉल्ट डाल के, तो सॉल्ट डाल के उसमें मशरूम को हमने डिप कर देना है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए डिप रखना है, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए। ठीक है, जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं मशरूम डुप्लेक्स का, वो बहुत कम लोगों को पता होगा, थोड़ा मुश्किल है, पर आपने वो करना है। इससे पहले कि मैं वो प्रोसेस शुरू करूं, पहले हमारी टीम है ये सारी बेस्ट वेस्टर्न प्लस की, आप इनसे मिलिए। ठीक है, इसमें से ये रवि हैं, हमारे कॉन्टी के शेफ हैं। ठीक है, ये सिद्धार्थ जी भी हमारे कॉन्टी के शेफ हैं। तो क्या है कि जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, आप भी अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं तो आप वैसे भी ब्लांच करके अगर उसको यूज करना चाहो तो कर लीजिए। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है कि हमने इसका जो स्किन है वो उतारना है, ये ऐसे, ये प्रोसेस है इसका। ये हमने ऐसे स्किन को हटाना है इसको, उसके जो नीचे का पार्ट है वो वाइट वाला, उसके साथ हमने डुप्लेक्स को बनाना है। जो मशरूम है हमारी स्किनलेस हो गई है, अब हम इसको ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के लिए हमें हॉट वाटर चाहिए, कि हॉट वाटर में ये ब्लांच करेंगे, उसके अंदर का जो गंदगी है वो सारा, जो मिट्टी वगैरह है, सब निकल जाएगी। अभी साथ ही साथ हम टॉस करेंगे ये जो हमारी स्पिनिच है। स्पिनिच को हमने लिया, पहले होल स्पिनिच को हमने ब्लांच किया, ब्लांच करने के बाद उसको हमने चॉप कर लिया। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कि अगला प्रोसेस, जैसे जैसे ये ब्लांच होगा साथ साथ इसको हम टॉस करेंगे और बताएंगे आपको कि अगला प्रोसेस क्या है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये देखिए, हमने मशरूम की ये स्टिक्स रखी हुई है, देख रहे हो आप, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है। इसको चॉप करके हम इसको सीजनिंग में यूज करेंगे। इसमें यूज करेंगे सीजनिंग में यूज करेंगे। सीजनिंग मतलब कि जो हम इसको टॉस करेंगे, टॉस करने के साथ साथ हम इसको भी यूज करेंगे कि इसका भी जो फ्लेवर है मशरूम का, उस स्टफिंग के अंदर आ जाए। अब ये देखिए, हम अभी मशरूम को ब्लांच करेंगे। ठीक है, वो जो हमने स्किनलेस करी थी मशरूम, पहले हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको हम ब्लांच के लिए डाल देंगे। अब हम इसमें, जो मैंने आपको बताया था, हम ये मसाला टॉस करते हैं। ये आ गया हमारा ऑयली ऑयल, इसको थोड़ा सा हीट पे कर लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले गार्लिक, इसमें ऐड करेंगे वो जो मशरूम हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड करेंगे। ये देखिए, मशरूम हमारी हो गई है डन। अब हम इसको स्ट्रेन कर देंगे। अब हम इसमें स्पिनिच को ऐड कर देंगे। स्पिनिच वही है जो हमने ब्लांच करके चॉप करी है, अब हमने इसको ऐड कर दिया। जो स्पिनिच है वो हो गया है, अब हम इसमें कॉर्न्स ऐड कर देंगे। अमेरिकन कॉर्न्स हैं ये, आपकी मर्जी है, कुछ लोग ऐड करते हैं कुछ नहीं करते हैं, आपकी कॉल है, आपने करना है तो कर लीजिए। ठीक है, सीजनिंग ऐड करूंगा, सॉल्ट टू टेस्ट, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ओरिगैनो है, ये हमारी सीजनिंग है, थोड़ा सा ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। स्टफिंग जो है ऑलरेडी डन हो चुकी है, ये देखिए,
अभी हम इसमें हमारा जो अगला प्रोसेस है वो चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा जो मिक्सर है जो हमने टॉस किया था वहाँ पे वो रेडी है, अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। ये है हमारा मुजरेला चीज़, ये हम ऐड करेंगे कॉटेज चीज, ये है हमारा प्रोसेस चीज। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है डुप्लेक्स का। अभी हम इसको स्टफ करेंगे। स्टफ करने से पहले हमें उसका बैटर बनाना है, जो हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के बाद हम उसको कम्फर्ट करेंगे, पहले हमने बैटर बनाना है। बैटर बनाने के बाद हम उसको स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के बाद हम उसको टूथपिक लगा के इसके अंदर बैटर के साथ करके फिर उसको कम्फर्ट करेंगे, ठीक है। ये शेफ हमारे रवि हैं यहाँ पे, ये आपको बताएंगे कि बैटर कैसे बनाते हैं। रवि जी बताइए। बैटर के लिए हमें दो चीजें चाहिए, कॉर्न फ्लोर चाहिए और रिफाइंड फ्लोर चाहिए। ये देखिए ये हमने डाल दिया कॉर्न फ्लोर और ये हमने डाल दिया रिफाइंड फ्लोर। रवि जी इक्वल क्वांटिटी चाहिए इसके लिए? इक्वल क्वांटिटी चाहिए जी। अब इसमें हम सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग में हम क्या ऐड करेंगे, ये देखिए चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा ये ऑरिगेनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा सोल्ट ऐड करेंगे। यही है जी रवि जी? चलिए ये देखिए आप बैटर कितना बनाना है हमने। अब ये देखिए हमारा जो बैटर है वो भी रेडी हो गया हुआ है, और बैटर की जो पहचान है ये बैटर ऐसे आपका होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, ठीक है, जिसके साथ वो अच्छे से बैटर को पकड़ ले, ठीक है। अब हम भरेंगे मशरूम के अंदर, मशरूम की स्टफिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने मशरूम की स्टफिंग कर दी है, ऊपर से मशरूम को इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मैंने जो आपको बताया था ये हम टूथपिक लगाएंगे यहाँ पे। टूथपिक इसलिए लगाएंगे कि इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकले ना ज्यादा और आपस में ये पकड़ा रहे, ठीक है। ये मेथड है इसको ऐसे करने। अब देखिए ये हमारा बैटर भी रेडी हो गया है और डुप्लेक्स भी हमने भर लिए हैं सारे मशरूम को स्टफ करके। अब हम इसमें इसको बैटर में डाल के फिर इसको हम क्रम्फ्रेड करेंगे। करिए रवि जी, ये देखिए ऐसे हमने इसको बैटर में डिप कर देना। पहले अब दो तीन चार पीस ही डालो, ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे बैटर करके। बैटर में सीजनिंग इसीलिए डाली है कि उसके अंदर टेस्ट आ जाए। कुछ लोग तो क्रम्स में भी डालते हैं सीजनिंग। ऐसे जो है हमारा जो क्रम है वो ऐसे बिल्कुल मशरूम नूडल्स का। ये देखिए हमने हमने ये जो सालसा सॉस बनाई है इसकी मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको एक रेसिपी बता देता हूँ। इसमें केचप डाला है हमने, टबैस्को सॉस डाली है, थोड़ी सीजन सॉस डाली है, अनियन है, टमाटो है, ग्रीन चिली है, कुरियंडर है, लेमन जूस है, सॉल्ट है, ठीक है। उसके साथ हमने ये सालसा सॉस बनाई है जो हम डुप्लेक्स के साथ सर्व करेंगे। अब देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए लुक एट द कलर, डुप्लेक्स हमारे रेडी हो गए हैं, प्लेटिंग भी हमारी रेडी हो गई है। ये हमने मशरूम लिया और ये देखिए ये 1/2 हो गया। अब हम इसको काट लेंगे। देखिए हमने ये काट लिया है, अब हम इसके ऊपर ये सीजनिंग डाल हम इसको सर्व करेंगे। ये हो गया हमारा वन पोर्शन। वेरी वेरी यम्मी।
हमारी जो रेसिपी थी मशरूम डुप्लेक्स वो हमने आपको बता दी है, कैसे सर्व करना है वो भी बता दी है, साथ साथ सॉस के साथ जाएगी। और लास्ट में यही है कि होप जो लाइक हमारी जो वीडियो बनती है आप लोग लाइक करते हो उसको, ठीक है। प्लीज़ जब भी आप ये वीडियो देखिए उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर ऑल द टीम एंड थैंक यू फॉर बेस्ट रेस्टोरेंट प्लस, ठीक है। और आप जब भी, मैं रिपीट करूंगा फिर दोबारा से, आप जब भी हमारी वीडियो को देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Oh, yeah.